ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଯବାନ। ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 120 ବାଟାଲିୟନକୁ ଆସିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଆଶାଇ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ଆଶାଇ ରାତିରେ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀ ଫୁଟପାଥରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଭୋରରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଫୁଟପାଥରେ ରାତି କାଟିଥିଲେ। ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାତି କଟିଥିଲା ଏମାନଙ୍କର। ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୌଚ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ରାତିରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବା ପରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କିଛି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ये का बहाली है, टेरिटोरियल आर्मी रैली, ओपन रैली है। इसमें हम लोग सब बिहार से आए हैं, 14 अक्टूबर को है। तो क्या बाहर अभी टाइम नहीं हुआ, बाहर अभी इसका टाइम नहीं हुआ, 2 बजे एंट्री टाइम हुआ था। 2 बजे एंट्री टाइम हुआ तो उसके बाद हम लोग का एंट्री होगा अंदर, नहीं खुलेगा तो उसके बाद हम लोग सब अंदर जाएंगे। अभी बाहर सब गेट पे है लाइनिंग। रांची में जब हम लोग गए थे अगले बार जनवरी में, तो वहाँ व्यवस्था दिए थे सरकार पंडाल में रहने के लिए। हम लोग को 8-9 बजे अफसर लोग ऐलान कर दिए थे कि आप लोग आइए पंडाल में सो जाइए। हम लोग को वही सोच रहे थे कि हम लोग को भी वही व्यवस्था चाहिए सोने उने के लिए। यदि फिर बारिश होगा तो हम लोग कहाँ सोएंगे, ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कुछ तो सहायता कर देता था तो स्टूडेंट को और जाने तने दौड़ने के लिए कोशिश नहीं करना पड़ता। ऐसे सरकार भी कहता है स्वच्छता हमारा ही रखेंगे तब ना अच्छा रहेगा, इसलिए शौचालय एक दो को बनवा देते कहीं जहाँ पे रहता वहीं पे, कि कोई भी स्टूडेंट कहीं जाता नहीं जाने तने रोड के किनारे कर देता है। स्टूडेंट तो उतना सोचता नहीं है, बारिश आता है तो कि कहाँ कहाँ खोजे जाने पाता उन्हें कर देता है, इसलिए बना देता सरकार थोड़ा सा तो अच्छा रहता। दिक्कत बहुत हो रहा है हम लोग को यहाँ रोड पे सोने के लिए मिल रहे है, ठीक है। कम से पानी की व्यवस्था तो बहुत जरूरी है यहाँ पे, और पानी के साथ साथ यदि रोड पे सोने कल कोई तरह का बात होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी लेना चाहिए सर, ये क्योंकि सर आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, बाद में तो फिर सर ऐसा कुछ नहीं होता है। और बारिश भी दे रहा है, यहाँ पे भींग है हम लोग। लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था और जो वो ट्रैक बनाया था जिस पे रनिंग करते हैं हम लोग, वो 400 तक का होना चाहिए। ये 500 मतलब 520 भर्ती ग्राउंड है। ये क्या व्यवस्था, रात भर कितने दिन तक यहाँ पे बाहर गुजरे? यहाँ बाहर हम 18 घंटा गुजारे, 18 घंटा गुजारे, नहीं रहने की व्यवस्था नहीं कुछ। देखे जाके बैरियर टूट गया है, बहुत लड़का गुरुर क्रॉस भी कर गया है, क्रेज भी कर गया, स्क्रेच भी आ गया है। और प्लस रोड पे कोई व्यवस्था नहीं था रहने का, नहीं टेंट उट कहीं नहीं लगा, नहीं पानी पीने का सुविधा, नहीं पेशाब करने की सुविधा। सर हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आए थे बिहार से कि हम लोग को फौज बनना है। यहाँ पे कम से कम तो 300 का बैच खुलता था, और हम लोग जब गया में रनिंग करते थे आर्मी का जाने के लिए तो 300 का बैच खुलता था, वहाँ 30 ठो लेता था। यहाँ पे 300 को खुलता है तो वहाँ 3-4 ठो लेता है। इस तरह में हम लोग 4th-5th स्थान पर रहे, तब पर भी हम लोग का कोई उपाय नहीं मिला, और बिहार का मतलब कोई उपाय नहीं। यहाँ पर हम लोग इसलिए घूम के जा रहे हैं, और नहीं यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कम से कम रहने तो खाने की व्यवस्था होना चाहिए। और यहाँ पर मिलिट्री का भी बहुत कमी था, 20 बार होती सर, सब लड़का सब जॉब करता था, बाहर में एक भी मिलिट्री नहीं था सर, यानी कि भीड़ बहुत था सर, मानी कि सतने वाला आदमी कोई नहीं था। रात तो रोड प्रिपेयरिंग पे रहे सर, लेकिन दौड़ के बारे में मतलब 400-300 का दौड़ाया सर, तो हम 2-3 को लड़का लिया, बस इतना काफी लड़का लेता है। यहाँ सर व्यवस्था बहुत खराब है सर, फौज के न रहने का कारण सर देवाल गिर गया, इनसे बच्चा बहुत घायल हो गए। बिहार से आए सर, व्यवस्था तो वैसे कुछ नहीं, यहाँ पर देवाल भी टूट गया, काफी लोगों का पार उपार सब फूट गया, उसके बाद ही मतलब आर्मी लोग सब डंडे डंडे मार मार के सबको भगा रहा था। अरे खाने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, बहुत महंगा मिल रहा है यहाँ पे, सोने के लिए कुछ नहीं है, रोड पे सलमान खान गाड़ी की जैसे क्रॉस करता है ना, लगता है अब गाड़ी हम लोग भी चढ़ेगा, गाड़ी चढ़ेगा, कोई सुविधा नहीं था सोने के लिए। ସେପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ରଣାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଭୂତି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶାଇ ଆସିଥିଲେ 120 ବଟାଲିୟନକୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଭଳି ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
देखो तो सुनता ये हूँ भारतीय सेना निजुक्ति आहार रु मध्यप्रदेश रु 120 बाटालियन बिहार रेजिमेंट इंटरव्यू होता तेज आशाई अनेक थे पोस्ट बहुत कम थी आजिमेंट एंट्री होता राति तीनटा चारिटा समय प्रातः से ही समय पाचेरी भांगिगला एंट्री जो एत संख्यार आशाई थे प्राची भांगिगला जो मैंने एंट्री करते से समय धक्कामुखी होते प्राय 15 जन रु ऊर्ध युवक जो मैंने आशाई थे से इंजर्ड होती दुईजों अवस्था संकटापन्न कहु कि बर्तमान सुधा कौन भिजुआल कौन तथ्य आसूना से कौटू आसते कौन आसते कि बड़ कथा हूँ अनेक युवक को धक्कामुखी कर पातरअंत करवस्था राति तमाम अव्यवस्था अच्छी सीधा सख्त क्या कंडीशन थे रहने के लिए आप कहाँ से आए हैं क्या कंडीशन था यहाँ पे? हम 2500 किलोमीटर दूर से आए हैं, पाँच मिनट का टाइम दे रहे हैं, पांच लड़के पकड़ रहे हैं, छह लड़के पकड़ रहे हैं, टाइम छह। रहने के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था है? सही नहीं है सर, यहाँ पोल गाड़ दिया गया सर, पोल के कारण हम लोग गिर गए हैं, पोल गाड़ दिया गया इसके चलते बाउंड्री गिर गया, उसको व्यवस्था सही नहीं है, एंट्री करवाने का व्यवस्था सही नहीं है, समय सही नहीं दिया जा रहा है सर। दीवाल पैर गिर गया, चोट आ गया, दीवाल ढकेलन ढकेलने के कारण। आपको रहने के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश में भींग गया है, रात में बारिश में भर रात भींगे हैं, उसके बाद दौड़े हैं, फील्ड पे तपेन कर रहा था, फील्ड पे पूरा दब दब कर रहा है हमारे सर। रुक जाओ, ये क्या है कंडीशन है क्या? नजायज हम लोग को मारा भी जा रहा है और 5:30 टाइम देकर 4:50 में लिया जा रहा है, और बिहार का मात्र 4 बंदा को लिया जा रहा है, वो एमपी का 12 बंदा को लिया जा रहा है, हम लोग से बहुत अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रहने के लिए क्या व्यवस्था है? रहने के लिए क्या व्यवस्था? रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे व्यवस्था के इंतजाम, यहाँ पे गोद टूट गया लड़के सबका, क्या इसका जिम्मेदारी घर पे क्या होगा बताइए आप ही, माथा फूट गया, किसी का खूब कुछ हो गया है, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं। ये देखो सुनता से का मध्य रे बड़े अनेक खेब अछि जेतु पोस्ट बहुत कम थिला अब तो मैंने आशाई थे बिहार रेजिमेंट आसते मध्यप्रदेश आसते भितर किसी व्यवस्था किसी कर 120 बाटालियन बिहार रेजिमेंट पक्षर पर राति तमाम से बर्षार दिन कटे स्टेशन कटर कर रात को कहे गुजरे यहाँ पे जो है रात को कहे गुजरे दो 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 तो कहे गुजरे जो हुआ खाला बिहार से है, यहाँ पर फील्ड इतना खराब है, इतना धस रहा है यहाँ पर फील्ड में दुख अच्छी असुविधा भितर गति कर किभली भावे व्यवस्था कर टॉयलेट व्यवस्था नहीं कौन सी रहिबार व्यवस्था नहीं भोई स्थिति रे सह सह संख्या युवक बा हजार हजार संख्या रे जो बेकारी अछंती विशेष भावे बेकारी को पई जो व्यवस्था युवक माने अछंती आशाई पई भारत संघ रे सेवा करिया पई किंतु मन रे एते दुख थेबो जे जो भोई व्यवस्था करिया था 120 बटालियन बा बिहार रेजिमेंट ता करा गेला दी जे पुलिस व्यवस्था करथिला राती तमाम तक उठि कैंप रखथिला किंतु एते संख्या रखिया पई मते कोनो सी व्यवस्था नथिला किंतु एथि प्रति ध्यान देबार थिला 120 बटालियन बा बिहार रेजिमेंट पखरु एवं विशेष भावे दुर्दशा भोगी भविष्य जवान जो टेरिटोरियल आर्मी ने नियुक्ति 120 बटालियन को आते संख्यार आशाई मैंने रही थे कि कौन प्रकार व्यवस्था से बहुत असुविधार सम्मुखीन होती।